हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, गाइडेंस नोट्स ऑन कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। हमने ये जाना था कि गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किया गया और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में किया गया, और हमें ये भी जाना था कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स 29 के साथ हमें ये पढ़ना पड़ेगा। यानी ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ने कुछ चीज़ें मैंडेट कर दी हैं, उसने कुछ चीज़ें बता दी हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। गाइडेंस नोट गाइडेंस दे रहा है, वो रिकमेंडेटरी नेचर का होता है, वो मैंडेटरी नेचर का नहीं होता है, ये गाइडेंस देने के लिए होता है। तो जब भी हम पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर रिकमेंडेटरी हैं लेकिन वहाँ मैंडेटरी हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल हमें कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना ही करना है ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 के अनुसार, क्योंकि हम जब किसी उस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उस टाइम पर हमने पहले भी पढ़ लिया, हम ब्लैक बॉक्स अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, हमें वाइट बॉक्स अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, हमें अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, कॉम्पिटेंस बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कैट यूज़ करना पड़ेगा। गाइडेंस नोट कहता है कि आप कैट यूज़ गाइडेंस देता है, हमें सजेस्ट करता है कि आप कैट यूज़ करो, और ये बताता है कैट क्या है, प्रोग्राम और डेटा है, या तो वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम दूसरे प्रोग्राम का ऑडिट कर रहे हो, जो टारगेट प्रोग्राम है जो प्रोसेसिंग कर रहा है। हाँ, हमने ये जाना था अपने सेशंस में, डेटा किंग है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में या डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में, क्योंकि डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा को आप सही तरीके से रखोगे वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, और इन्फॉर्मेशन की ही वैल्यू है। या तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और उसको पीछे पूरा इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट, कंप्यूटिंग फैसिलिटी, वो पूरे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर फिजिकल लॉजिकल सारे कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं ताकि इस डेटा को सुरक्षित रखा जाए, जो डेटा गोल्ड है, जो किंग है। अब इसके पीछे क्या है, डेटा के पीछे सॉफ्टवेयर भी होता है, तो जब हम उस सॉफ्टवेयर को या उस डेटा को ऑडिट कर रहे हैं तो हमें अगर हमें क्या है, उस प्रोग्राम को ऑडिट करने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सॉफ्टवेयर को ऑडिट करने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, उस डेटा को देख ठीक तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ये देखने के लिए, वो डेटा की वैल्यू वॉयलेट हो रही है कि नहीं हो रही, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी मेंटेन की जा रही है कि नहीं जा रही है, इसको देखने के लिए हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कैट जो है प्रोग्राम है और वो डेटा है, कई बार वो सॉफ्टवेयर जिस जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है उसकी वो सही तरीके से उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए हमें टेस्ट डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, चेक करने के लिए टेस्ट डेटा की ज़रूरत करनी पड़ेगी। तो ये जो टूल्स हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स हैं वो क्या है, प्रोग्राम है और डेटा है, और इन्हीं का यूज़ करके ऑडिट प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं, सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मैनुअल भी हो सकते हैं और कैट भी यूज़ की जा सकती है, कंप्लायंस प्रोसीजर मैनुअल भी हो सकते हैं और वहाँ भी कैट ही यूज़ की जा सकती है, यूज़ गाइडेंस नोट के अनुसार की जा सकती है, लेकिन ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 के अनुसार जहाँ हो जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर करनी चाहिए। आप करोगे, आप मना नहीं कर सकते हो, आप उससे भाग भी नहीं सकते हो, आपको क्योंकि ऑडिट एविडेंस चाहिए, कैसा चाहिए, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए, उसी के बेसिस पर आप ऑडिट ओपिनियन दोगे, आप उसे भाग नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुआ, ऑडिट प्रोसीजर्स में चेंज आया, ऑडिट प्रोसीजर्स में मैनुअल प्रोसीजर्स और कंप्यूटराइज्ड प्रोसीजर्स का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, पहले हम मैनुअल प्रोसीजर्स ही यूज़ कर रहे थे, अब कंप्यूटराइज प्रोसीजर्स भी हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं जिन्हें हम कैट कहते हैं। इसके बाद हमारी स्टडी बताती है कि वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जहाँ पर हम कैट का यूज़ करेंगे, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हैं, एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर थोड़ी डिफरेंट होंगे मैनुअल प्रोसीजर से। मैनुअल प्रोसीजर्स में क्या होता था, आप कंपनी में जाते थे, देखते थे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से दी गई है, आप ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की मांगते थे तो मालूम पड़ा, लेकिन आप कंप्यूटर यूज़ होने लगा, आप एक कंपनी में गए, पहले वहाँ 500 आदमी काम किया करते थे, और फिर आप गए थोड़ी एग्जेजरेटेड सिचुएशन ले लेते हैं, आप उस कंपनी में 15 साल बाद गए तो मालूम पड़ा आज वहाँ 5 आदमी काम करते हैं, तो आप कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की दे दो, उन्होंने कहा कोई हायरार्की नहीं है, 5 आदमी हैं, 5 अपने अपने तरीके से काम करते हैं, एक इंजीनियरिंग देखता है, एक दूसरा देखता है, एक तीसरा देखता है, 5 ही आदमी हैं, पहले आते थे तो 500 आदमी थे, तब इस फैक्ट्री में 500 आदमी थे और एक पर्टिकुलर हायरार्की होती थी, काम मैनुअली होता था,
अब समय चेंज हो गया, जापानी आए, उन्होंने ये कंपनी ले ली और ये 500 आदमी को देखा कि ये तो बिल्कुल वो है, उन्होंने टोटल प्रोसेसेस ऑटोमेट कर ली, दूसरे आदमियों को दूसरी फैक्ट्रियों में भेज दिया या रिट्रेंच कर दिया, उन्होंने सारा चीज़ कंप्यूटराइज कर दी, सारे फ्लोर्स में आप रोबोट्स और कंप्यूटर्स ही देख रहे हो। तो ऐसे डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप वो पुराने तरीके से कंप्लायंस प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब जो वो कंट्रोल्स हैं वो मैनुअल हो चुके हैं। तो आप क्या करोगे, कोड कंपैरिजन देख के चेक करोगे, प्रोग्राम का वर्जन चेक करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप चेक करोगे, प्रोग्राम की लाइब्रेरीज़ को देखोगे, डेटा की लाइब्रेरीज़ को देखोगे, कौन एक्सेस कर रहा है, कौन किस तरह से काम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। उसके बाद सैम्पलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे। उसके अलावा हमने कहा था कि एक यूनिक चीज़ आ जाती है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, लॉजिकल कंट्रोल्स। पहले क्या होते थे, फिजिकल कंट्रोल्स, जो चीज़ प्रोसेस कर रही थी तो उसमें फिजिकल कंट्रोल्स होते थे, अब वहाँ लॉजिकल कंट्रोल्स आ गए, एप्लीकेशन कंट्रोल्स आ गए। उसके बाद कैलकुलेशन को रीपरफॉर्म कर सकते हो अकाउंटिंग के एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम में। तो रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन से क्या हेल्प होती है, आपको पता चल जाता है कि यार ये सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर्टिकुलरली लॉजिकल फील्ड में। लॉजिकल फील्ड में क्या है, आपने इनपुट डाला, आउटपुट निकाला, देखा, और उसके बाद रीपरफॉर्म कर दी वो कैलकुलेशन। तो एक तरह से ब्लैक बॉक्स अप्रोच हुई, लेकिन आपको सिस्टम के अंदर पता चल गया। जब आप ऑडिट करने जा रहे हो एक कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में, तो ये नहीं है कि आप ब्लैक बॉक्स अप्रोच नहीं करोगे, आप ब्लैक बॉक्स भी अप्रोच करोगे, लेकिन वाइट बॉक्स कंपलसरी हो गई है। अब आप वाइट बॉक्स से भाग नहीं सकते, वाइट बॉक्स के अलावा ब्लैक बॉक्स करो, मैनुअल करो, 25 तरीके से चीज़ को देखो, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप वाइट बॉक्स नहीं कर रहे हो तो सफिशिएंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं आएगा, अप्रोप्रिएटनेस और वैलिडिटी नहीं आएगी। जो आपका ऑडिट एविडेंस है उसमें अप्रोप्रिएटनेस और वैलिडिटी नहीं आएगी। तो कैट क्या करता है, कैट इसके बाद हमारा जो अगला चीज़ जो हमारा गाइडेंस नोट बोलता है वो कैट क्या करता है, कैट जो होता है डेटा की एक्सेस दे देता है क्लाइंट को, और सॉरी क्लाइंट को जो कह रहा हूँ ऑडिटर को डायरेक्ट एक्सेस दे देता है, क्लाइंट को बाहर निकाल देता है। कैट क्या करता है, कैट डायरेक्टली आपका डेटा रखा हुआ है एक पर्टिकुलर जगह पर रखा हुआ है, अगर उस डेटा को रिट्राइव करोगे तो क्या करोगे, आप एप्लीकेशन सिस्टम से कहोगे कि भाई मेरे को उसको उसमें कोड कुछ डालोगे कि मुझे ये रिट्राइव करना है, एप्लीकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करके उस डेटा को उस जगह से निकालेगा, निकालने के बाद एप्लीकेशन सिस्टम को देगा, वो आपको डेटा देगा। तो यानी कि बीच में कई प्रोग्राम्स आ गए हैं और उससे आपको डेटा मिल रहा है, क्लाइंट के प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे, आपको डेटा एज इट इज़ चाहिए, डेटा जहाँ पर रखा है उससे चाहिए, क्लाइंट के प्रोग्राम को आपको बाईपास करना है। तो क्लाइंट के अंदर आपको लॉजिकली, उस क्लाइंट के सिस्टम के अंदर आपको लॉजिकली घुसना है और लॉजिकली घुसकर उस डेटा को उठा के लेकर आना है। तो आप कैसे करोगे, खुद तो जा नहीं सकते उस सिस्टम के अंदर, और डेटा जहाँ पर रखा होगा वो इतना छोटा जगह होगी कि उस डेटा को आप हार्ड डिस्क निकाल भी दोगे तो भी आप उस डेटा को देख नहीं पाओगे। तो आप जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे, उसके अंदर जाओगे और ये पूरी सिस्टम को बाईपास करके उस डेटा को उठा लोगे। तो कैट आपको ये हेल्प करता है, आप डेटा को डायरेक्टली देख सकते हो, फिर उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हो, और उससे क्या है कि आप रिलायबिलिटी चेक कर सकते हो क्लाइंट के सॉफ्टवेयर की, क्लाइंट का सॉफ्टवेयर रिलायबल है कि नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, और ऑडिट टेस्ट एफिशिएंटली रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि अब आप डेटा डायरेक्टली लिया, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर ने उसे ऑडिट किया या एक्सेल में डंप फेंका और उसको उस सारे डेटा को आपने एनालाइज कर दिया, आप 100% डेटा एनालाइज कर सकते हो, एक फॉर्मूला लगा सकते हो, पैन नंबर अगर मान लिया सपोज किसी कंपनी के हैं, आपने वो पैन नंबर पूरे के पूरे ले लिए और उसमें क्राइटेरिया लगा दिया, पहले 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर उसके बाद न्यूमरल्स होते हैं, और फिर चेक कर लिया, और चौथा नंबर आई होता है, इंडिविजुअल का पैन है, सारे एम्प्लॉय इंडिविजुअल होंगे, ये आपने चेक कर लिया, आपको पता चल जाएगा विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा कि कितने गलत हैं, और भी गलती हो सकती है लेकिन मिनिमम गलती आप ऐसे निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स, अगर 10,000 एम्प्लॉई हैं, 10,000 पैन हैं तो आप इंस्टेंटली निकाल सकते हो ये पैन तो गलत है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटर्स का डेटा देख रहे हो तो आप कहते हो इतने अमाउंट से ऊपर के तो डेटर्स हो ही नहीं सकते, ये इंडिविजुअल डेटर्स इस अमाउंट से तो ऊपर के हो ही नहीं सकते, या पैटर्न देख सकते हो आप, डेट का पैटर्न किस तरह से बढ़ रहा है देख सकते हो, और आप देखते हो कि सेल्स इस पीरियड में इस तरह से बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसको एक कोरिलेट कर देते हो, कैश सेल्स भी हो सकती हैं लेकिन आप एक कोरिलेशन क्रिएट कर सकते हो।
उस डेटा को देखकर, तो आपका टेस्ट एफिशिएंटली हो जाता है। और जैसा हम पहले कह चुके हैं, कैट क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा है, दोनों हैं जो ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये कैट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, पैकेज प्रोग्राम्स हो सकते हैं, पर्पज़ रिटर्न प्रोग्राम्स हो सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं। इसके बारे में हम जान चुके हैं कि पैकेज प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, पर्पज़ रिटर्न प्रोग्राम स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसी तरह से यूटिलिटी प्रोग्राम और सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है कि यूटिलिटीज़ होती हैं जो सिस्टम के साथ आती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं, एप्लीकेशन सिस्टम के साथ आती हैं। यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी होती है, मतलब उसके बिना काम चल सकता है लेकिन वो यूटिलिटी होती है, आपको हेल्प करती है एक पर्टिकुलर चीज़ में, आपको सिस्टम की एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने में, उसकी उसको एफिशिएंट बनाने में। मैंने बोला एंटीवायरस एक यूटिलिटी है, डीफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी है, आपका डेटा कई जगह पर हुआ है उसको एक जगह पर ले आएगी, डिस्क क्लीनर यूटिलिटी है। जब आप विंडो में टाइप करते हो परसेंटेज टेम परसेंटेज और फिर सारे जो बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स आती है, टेम्परेरी फोल्डर में जाते हो, टेम्परेरी फाइल्स आती हैं उसको डिलीट करते हो और सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाते हो, तो वो एक तरह से वो जो कमांड आपने दी वो यूटिलिटी फाइल का काम कर रही है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स थोड़ा सा अलग होंगे, वो चीज़ को सॉर्ट करने में, क्रिएट करने में, प्रिंट करने में, एफिशिएंसी बनाने में यूज़ किए जाएंगे। इसी तरह से सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं वो प्रोडक्टिविटी टूल्स होते हैं। तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, पहला पैकेज प्रोग्राम्स हो सकता है, पर्पज़ रिटर्न प्रोग्राम्स होता है। पैकेज प्रोग्राम का मतलब क्या है, मार्केट में जाओ और एक पैकेज ले आओ, और पर्पज़ रिटर्न प्रोग्राम एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। यूटिलिटी प्रोग्राम्स बंडल्ड होकर आती हैं यूटिलिटी के रूप में, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद रहे हो तो एक यूटिलिटी आ जाएगी। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो प्रोडक्टिविटी टूल्स होते हैं। वो जनरली क्या होता है कि सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कैसा भी प्रोग्राम है, किसी तरह का भी प्रोग्राम हो, कोई भी ओरिजिन हो, कैसा भी हो, लेकिन ऑडिटर को इन्हीं प्रोग्राम का यूज़ करके एप्रोप्रिएटनेस और वैलिडिटी को सब्सटेंशिएट करना है। मतलब उस प्रोग्राम आपको ये देखना है कि वो ऑडिट पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रोग्राम्स का यूज़ कर रहे हो तो उन टूल्स का यूज़ कर रहे हो। टूल्स का यूज़ करने से पहले आप ये तो देखोगे टूल्स सही हैं कि नहीं सही हैं, उनकी अप्रोप्रिएटनेस क्या है, वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। आप उन टूल्स का क्वाइट का यूज़ करने से पहले उनकी अप्रोप्रिएटनेस और वैलिडिटी देखोगे, अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है इन कंडीशंस में, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वैलिडिटी है कि नहीं है, दो चीज़ें आप जरूर देखोगे। मालूम पड़ा आप युद्ध में जा रहे हो, तलवार लेकर जा रहे हो, तलवार ऐसी है लकड़ी की तलवार है, बाहर से तो पेंट वेंट सब किया लेकिन लकड़ी की तलवार है, दुश्मन आया उसने लोहे की तलवार से एक बार मारा, लकड़ी की तलवार आधी आधी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यानी कि जिस टूल से आप युद्ध करने जा रहे हो, जिस टूल से आप ऑडिट करने जा रहे हो, जिस टूल से आप ऑडिट एविडेंस निकालोगे, वो टूल को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा हमने बोला प्रोग्राम्स कई टाइप के हो सकते हैं, पहला पैकेज प्रोग्राम होता है, ये जनरलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते, जनरलाइज्ड होते हैं, और ये डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन कर सकते हैं, डेटा को पढ़ सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस फॉर्मेट में रिपोर्ट कर सकते हैं जिसमें ऑडिटर चाहिए, वो डेटा चाहिए। दूसरे पर्पज़ रिटर्न प्रोग्राम्स होते हैं, पर्पज़ रिटर्न प्रोग्राम्स स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में लिखे जाते हैं, ये प्रोग्राम ऑडिटर भी डेवलप कर सकता है या एंटिटी जिसके हम ऑडिट कर रहे हैं वो भी डेवलप कर सकता है या दूसरा प्रोग्रामर हायर किया बाहर से वो भी कर सकता है। जैसे बैंक है, बैंक में एक मेजर या फोरेक्स मार्केट है, मेजर ट्रांजेक्शन हो रहा है, उन्होंने कहा टीम ही रख लो भैया यहाँ पर, और यहाँ पर ऑडिट करते रहें, ये कांस्टेंट ऑडिट, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते रहें जो कांस्टेंट ऑडिट कर रहा है, मतलब पूरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम उन्होंने रख ली, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, मेंटेन कर रही है, उसको अपग्रेड कर रही है, और वो सॉफ्टवेयर को हमने एम्बेड कर दिया या कंटिन्यूस इंटरमीडियंट सिमुलेशन का यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमने डाल दिया और वो कंटिन्यूस ऑडिटिंग कर रहा है।
तो पर्पज़ रिटर्न प्रोग्राम पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए होते हैं, जैसे NPA देख रहा है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है जो बैंक का, उसको ऑडिट कर रहा है, कॉल मार्केट में पैसे के मूवमेंट को देख रहा है, फोरेक्स मार्केट में पैसे के मूवमेंट को देख रहा है। और कई बार क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को ही मॉडिफाई कर दिया जाता है थोड़ा सा, और एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम डेवलप किया जाता है और वो उसको ऑडिट करने लग जाता है, वो भी पर्पस रिटर्न प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में जाना था। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? ये कुछ कॉम यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, बंडल्ड होके आते हैं जनरली, वैसे कई बार नहीं भी आते। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा तो उसमें कई यूटिलिटी प्रोग्राम भी आ सकते हैं बंडल्ड होके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा तो यूटिलिटी प्रोग्राम आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो कई फंक्शंस करते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। और ये ऑडिट पर्पज़ के लिए डिज़ाइन नहीं होते हैं, लेकिन हम ऑडिट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इसमें जैसे बहुत सारे फीचर हैं, जैसे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड काउंट, कंट्रोल टोटल, ये नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड काउंट का मतलब ये है कितने रिकॉर्ड्स हैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, वो आपको दिखा देगा। उसके बाद वो ये देखेगा कि इंडिविजुअल टोटल तो इतना आ रहा है, ग्रुप टोटल इतना आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो आपको दिखा देगा। अगर उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बता देगा इसमें ये प्रॉब्लम है, वो डिस्क्रिपेंसी दिखा देगा। तो क्योंकि ये ऑडिट के पर्पज़ के लिए प्रोग्राम नहीं होते हैं, लेकिन आप इनको ऑडिट के पर्पज़ के लिए यूज़ करने लगते हो। इसके बाद सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रोडक्टिविटी टूल्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में काम करते हैं। जैसे डेटा रिट्राइवल सॉफ्टवेयर है, कोड कंपैरिजन सॉफ्टवेयर है, और ये भी जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ऑडिट के पर्पज़ के लिए स्पेसिफिकली लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन हम इनका यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम ये कहें कि पैकेज प्रोग्राम और पर्पज़ रिटर्न प्रोग्राम तो सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एडिशनली हम कहते हैं कि भैया जो चीज़ मिल जाए, यूटिलिटी प्रोग्राम मिल जाए, उससे भी हम चेक करके देख लेते हैं, तो हमें सिस्टम के बारे में नॉलेज हो जाती है। हम सिस्टम को कई तरीके से अटैक करते हैं। क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि विजुअली हम उस सिस्टम को नहीं देख सकते हैं, फिजिकली हम उस सिस्टम को नहीं देख सकते हैं। हम उसको कैसे देख सकते हैं? लॉजिकली देख सकते हैं। तो सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है, और घुसने के लिए जो भी टूल मिले हम उसे यूज़ करके देखने की कोशिश करते हैं। उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स और सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम सिस्टम को मैनेज करने के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन मैनेज करने के चक्कर में जब आप कोई चीज़ मैनेज कर रहे हो तो उसको देखोगे, उसको वो कोई आपको डेटा देगा तभी तो आप मैनेज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास सामने पूरा मीटर होता है कि स्पीड क्या है, पेट्रोल है कि नहीं है, तो उसको मैनेज, स्टीयरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं आपको मैनेज करने के लिए। तो वो जो मैनेज कर रहा है, तो बेसिकली आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो आप एक तरह से उसे फीडबैक ले रहे हो, हाँ इतनी स्पीड होगी, इतना ये टेम्परेचर हो रहा है इंजन का, ये सारी चीज़ें लेते चले जा रहे हो, वो फीडबैक के अनुसार आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर उस फीडबैक का यूज़ किया जाता है। आप देखते हो कि यार ये सिस्टम, ये गाड़ी जो है कितनी देर में 0 से 60 भागी, अच्छा इतनी देर में भागी, ये एक्सलेटर डाला, कौन से गियर में चल रही है, इस ऊंचाई में कौन से गियर में चल रही है, अच्छा ये पेट्रोल कितना कम हो गया। तो ये इंडिकेटर्स सिस्टम के बारे में आपको कुछ कह रहे होते हैं, उन चीज़ों का आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम और सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑडिट पर्पज़ के लिए डिज़ाइन नहीं होते हैं, लेकिन हम उसे यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑडिट पर्पज़ के लिए। तो कहिए हम ये गए हैं कि सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर असिस्टेड टूल होते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड टूल क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर और डेटा कंप्यूटर असिस्टेड टूल में आता है। कंप्यूटर असिस्टेड टूल किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? कंप्लायंस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना जिस चीज़ के लिए वो यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद हमने ये बोला कि कंप्यूटर असिस्टेड टूल और टेक्निक्स की खासियत क्या होती है? ये होती है कि वो क्लाइंट को बाईपास करके सीधे डेटा तक पहुंच जाते हैं। डेटा इज़ द किंग। डेटा तक क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि डेटा इज़ द किंग, और डेटा को उठाकर फिर उसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और बाकी पूरे इन्वायरमेंट के बारे में हम फीडबैक ले सकते हैं कि हाँ ये इन्वायरमेंट है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, सही हो रही है कि नहीं हो रही है, डेटा सही तरीके से रखा गया है कि नहीं रखा गया, ये डेटा करप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है कि नहीं है, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी के तराजू में ये कसौटी में खरा उतरता है कि नहीं है, उतरता है। तो इसके लिए हम कई टूल्स का यूज़ करेंगे। बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ ऑडिट स्पेसिफिक ऑडिट टूल्स हैं और बाकी दूसरे प्रोग्राम्स हैं। टूल्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोग्राम या डेटा होता है।
डेटा क्या है, टेस्ट पैक्स होते हैं, प्रोग्राम क्या है, पैकेज रिटर्न प्रोग्राम्स होते हैं, पर्पज़ रिटर्न प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑडिट पर्पज़ के लिए नहीं होते लेकिन उससे हम इनडायरेक्टली ऑडिट इन्फरेंस निकाल सकते हैं, जैसे यूटिलिटी प्रोग्राम और SMP सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगली चीज़ जो हमारा गाइडेंस नोट कहता है कि भाई अगला टॉपिक कंसिडरेशन इन यूज़ ऑफ कैट, यानी कि जब आप ऑडिट को प्लान कर रहे होते हो तो आप देखते हो यार कैट का कितना यूज़ करना है। तो आपको एक चीज़ पता है, एक तो मैनुअल इन्वायरमेंट है और एक क्या है कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट है, और कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट हम क्लियर कर चुके हैं मैनुअल भी है और कंप्यूटराइज्ड भी है। तो आप ये देखते हो किस लेवल तक मैनुअल है, किस लेवल तक कंप्यूटराइज्ड है, तो फिर आप क्या करते हो दोनों की टेक्निक को मिक्स करते हो और साथ में दोनों तरीके से ऑडिट करते हो। एक अच्छा ऑडिटर दोनों को बैलेंस करके ऑडिट करेगा, मैक्सिमम वो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज़ करेगा लेकिन साइमल्टेनियसली वो मैनुअल टेक्निक्स यूज़ कर रहा होगा, लोगों से पूछ रहा होगा, बात कर रहा होगा, उनसे फीडबैक ले रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, इंस्पेक्शन कर रहा होगा, क्वेश्चन फ्लोट करेगा, उसके आंसर मांगेगा, ये सब मैनुअल टेक्निक्स हैं। साथ ही साथ वो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का ऑडिट कर रहा होगा, यानी कि आप IT डिपार्टमेंट जाओगे कहोगे बस बैठोगे मीटिंग करोगे IT हेड से बोलोगे, उससे बैठ कर आप मीटिंग कर रहे हो उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे, बातें करना स्टार्ट करोगे, मैनुअल टेक्निक्स हैं। आप कहोगे जी बॉस आपके वहाँ तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होंगे, उसने कहेगा जी बिल्कुल हैं, पक्के हैं, बिल्कुल हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, ISO CMM लेवल ये कंपनी है, ये फला है, ढिमकाना है, सारी चीज़ें वो बोलेगा। आप बोलोगे अगर ऐसा है तो आपके पास वो होगा लॉजिकल टेक्निक्स होंगी, मतलब जो एक हर डिपार्टमेंट के पास, आप तो कस्टोडियन हो डेटा के, हर डिपार्टमेंट के पास मैं एक अथॉरिटी मैट्रिक्स होगा, ये होगा कि एक मैट्रिक्स होगा कौन बंदा किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है और किस किस का डेटा कहाँ कहाँ पर पड़ा है, ये आपके लिए रेडीली तैयार होगा और डिपार्टमेंट के पास भी तैयार होगा, फिर वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर उसके पास होगा तो वो दिखाएगा कि मेरे पास ये सारा चीज़ है, मेरे पास ये कहाँ पर मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन, वो दिखाना स्टार्ट करेगा। उसके मीटिंग के बाद आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हो उसी समय और उनसे कह सकते हो यार ये अपना डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, इंस्टेंटली उसे डॉक्यूमेंटेशन पूछ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर क्या किया, मैनुअल टेक्निक्स का यूज़ किया और फिर उसके बाद सिस्टम कैट का यूज़ करके सिस्टम के अंदर घुसोगे लॉजिकली। अब आप अपना जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हो और ये सारी चीज़ें पूछते चले जा रहे हो जो बंदा इंस्टॉल कर रहा है, और फिर उसके बाद आप ऑडिट करना चालू कर रहे हो तो फीडबैक ले रहे हो, सब दोनों सबको मिला के आप काम कर रहे हो, साथ ही साथ काम कर रहे हो। तो ऑडिट प्लान करते समय आपको ये देखना पड़ेगा मैनुअल कितना और क्या कितना सोफिस्टिकेटेड IT इन्वायरमेंट है, जितना सोफिस्टिकेटेड IT इन्वायरमेंट होगा उतना पल्ला IT की तरफ भारी होता जाएगा, और जितना IT बेस्ड इन्वायरमेंट होगा उतना पल्ला IT की तरफ भारी हो जाएगा, जितना सर्विस इंडस्ट्री होगा, जनरली सर्विस इंडस्ट्री यहाँ होगी वहाँ पर IT की तरफ पल्ला भारी हो जाएगा, जितना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा उतना कम ऑटोमेटेड होगा, जितना एग्रीकल्चरल सेक्टर होगा, इंडिया में तो उसका अभी कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ ही नहीं है लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ह्यूजली मैनुअल होगा, तो अब वहाँ पर भी अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा किस तरह की कंपनी में जा रहे हो, और फिर आपको देखना पड़ेगा कैट कैसे यूज़ करें, वो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा ऑडिट टीम की IT नॉलेज, एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस क्या है, कैट की अवेलेबिलिटी क्या है, कंप्यूटर फैसिलिटी और डेटा अवेलेबल है कि नहीं, टेस्ट पैक्स अवेलेबल है कि नहीं, मैनुअल टेक्निक्स किस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं, कितना IT कैट यूज़ करना कितना प्रैक्टिकेबल है या मैनुअल टेक्निक्स कितना यूज़ करना प्रैक्टिकेबल है, आप ये देखोगे। उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखोगे, कैट से आप कर रहे हो तो कितना एफिशिएंट है कैट और क्या आपके उसके गोल्स को रीच आउट करता है। PF का आप ऑडिट करने जा रहे हो, पोर्टल में जाओगे उससे सारा डेटा एक झटके में निकाल लिया आपने एक्सेल में और फिर उसका ऑडिट करने लगे, तो उसमें क्या है कि कैट बहुत इफेक्टिव है। टाइम कंस्ट्रेंट्स देखोगे आपको, लेकिन इस सबसे पहले आप ये देखोगे कैट का यूज़ करने से पहले आप जो एंटिटी के कंप्यूटर सिस्टम को जानोगे किस तरह का कंप्यूटर सिस्टम है, और उसके बाद कौन कौन से कंट्रोल्स इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि
जो एंटिटी का एनवायरनमेंट है वो बड़ा अलग हो सकता है, वहाँ पर सेंट्रलाइज डेटाबेस हो सकता है, वहाँ पर टू टायर क्लाइंट सर्वर हो सकता है, वहाँ थ्री टायर क्लाइंट सर्वर, एन टायर क्लाइंट सर्वर हो सकता है, वहाँ पर डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकते हैं। तो उन आर्किटेक्चर्स के बारे में जानोगे, उसके अनुसार ही कैट आप अप्लाई करोगे, क्योंकि उन्हीं के अनुसार कैट अप्लाई होता है। इसके बाद जो गाइडेंस नोट का जो अगला टॉपिक है वो आईटी नॉलेज एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस है के बारे में है ऑडिट टीम का। तो वो ये कहता है कि ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 ये कहता है कि अगर कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्वायरमेंट में जाओगे तो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ स्किल और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट का रिस्क वही है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव वही है, उतना ही ऑडिट रिस्क, उतनी ही रिलायबिलिटी, उतनी ही एश्योरेंस आपको देनी है। तो आपको अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि रिस्क अब यहाँ पर बढ़ गया है। तो आपको स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो आप जो टीम को भेज रहे हो उसकी भी स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिसको आप डेलीगेट कर रहे हो असिस्टेंट को, उसके पास वो स्किल्स हैं कि नहीं हैं ये देखना पड़ेगा। या अगर एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के वर्क को यूज़ कर रहा है या एक्सपर्ट को यूज़ कर रहा है, तो उसको ये देखना पड़ेगा वो एक्सपर्ट्स के पास वो स्किल्स हैं कि नहीं है, वो ऑडिटर दूसरा ऑडिटर के पास वो स्किल्स हैं कि नहीं है। तो स्पेसिफिकली ऑडिट टीम के पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए ताकि उन रिजल्ट्स को प्लान कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और यूज़ कर सके। लेवल ऑफ नॉलेज किस पर डिपेंड करती है? कैट की अवेलेबिलिटी और कंप्यूटर की जो कंप्यूटर फैसिलिटी कौन सी अवेलेबल, कंप्यूटर फैसिलिटीज़ क्या हैं, मतलब क्लाइंट की फैसिलिटी क्या है और कैट की अवेलेबिलिटी क्या है। किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हो सकता है कैट बड़ा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर कैट अवेलेबल हो, मतलब आप एक कॉल मार्केट में जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, या आप जा रहे हो सपोज बैंक में जा रहे हो, या फोरेक्स मार्केट में जा रहे हो, या एक मेडिकल कंपनी में जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो कैट की अवेलेबिलिटी के बारे में भी आप देखोगे। तो यानी हमारे इंस्टीट्यूट ने कोई लूपहोल नहीं छोड़ा है, उसने बोला कि भैया स्किल्स तो आपको बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। अब आप स्किल्स ये नहीं कह सकते कि मेरे पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, या आप तो ऑडिट मत लो, ऑडिट मत करो, ऑडिट कर रहे हो तो स्किल्स बढ़ाओ, ये आपकी प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट को तो इंस्टीट्यूट ने तो ये बोल दिया कि आपके रिलायबल एश्योरेंस होना चाहिए। कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट का मतलब ये, एक कंप्यूटर आ गया तो वो कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट है। तो ऑडिट टेक्निक्स आपको मॉडिफाई करनी पड़ेंगे, स्किल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, टीम आपको सही बनानी पड़ेगी। अगर किसी दूसरे ऑडिटर का वो काम कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा उस पास नॉलेज है कि नहीं है, एक्सपर्ट पर रिलाई कर रहे हो तो एक्सपर्ट के पास उतनी नॉलेज स्किल कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और उसी के अनुसार आपको आपको या ऑडिट टीम को प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से ऑडिट करना है और उन रिजल्ट्स को वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से, ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ेगी। कौन सा कैट अडॉप्ट करना है उसके लिए कौन सी लेवल ऑफ़ नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा इन्वायरमेंट है उसके लिए कौन सी लेवल ऑफ़ नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑडिटर को देखनी पड़ेंगी इससे पहले कि वो कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में ऑडिट करे। तो यानी कि अब आप ये बहाना नहीं ले सकते हो, आप ये कह सकते, ये नहीं कह सकते मैंने ब्लैक बॉक्स अप्रोच की वहाँ पर, आपको वाइट बॉक्स अप्रोच ही करनी है, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर ही करना है। हाँ, ब्लैक बॉक्स भी कर सकते हो, मैनुअल टेक्निक्स भी कर सकते हो और टेक्निक्स भी कर सकते हो, लेकिन ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर्स करना है आपको, अगर ऑडिट रिस्क को उस लेवल तक लेकर आना है जो रीजनेबल हो, मतलब 100% जीरो ऑडिट रिस्क नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि कंपनी के वहाँ कई रिस्क बढ़ गए हैं, पहले बिजनेस रिस्क था, अब टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी बढ़ गया है, तो इनहेरेंट रिस्क बढ़े हैं और बाकी सारे रिस्क बढ़े हैं। तो आपको अपना ऑडिट रिस्क उसी लेवल पर ला कर रहना होगा जो पहले मैनुअल में हुआ करता था, और उतना ही रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में, और ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी और रिलायबिलिटी भी रखनी पड़ेगी। थैंक्स।